व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेट नाइट खबरें शो फ्रॉम द चैनल थगेश। और आज की वीडियो का टाइटल है अक्षय कुमार विमल गुट का ड्रामा केजीएफ 2 फनी। तो एक तो खबरें शो के अंदर बहुत सारी न्यूज देखने को मिलती है, फनी फनी इंसिडेंट्स मिलते हैं। तो और एक चीज मुझे अच्छी लगी कि अक्षय कुमार सर ने इंस्टाग्राम पे पूरा पोस्ट डाली कि लोगों को पसंद नहीं आया वो चीज। तो विमल वाले मतलब उसमें उन्होंने उसको ऐड करें कि जब तक वो एयर होएगा वो उनकी वो, क्योंकि एक वो है उनका क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना वो, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इन फ्यूचर नहीं हट गए उस चीज से। तो ये काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं खबरेश आज हमारे लिए क्या क्या खबर लेके आए हैं। 1 2 3 गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर होस्ट फॉर टुनाइट शो Miss me? I bet you did. Welcome, welcome to the new episode of the Late Night Khabre Show. So, by the way guys, पिछला वीडियो मैंने प्रैंक्स पे बनाया था, नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। थगेश, तेरे को मालूम है प्रैंक करने वालों से भी ज्यादा क्या क्रिंज है? कौन? वो जो उनको बार बार रोस्ट करते हैं। ऐसी बना जो थोड़ी अच्छी हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? ओहो, ये अच्छा था। एनीवेज फालतू के कंटेंट से याद आया, राखी सावंत को करण जौहर ने इग्नोर कर दिया एक पार्टी में। Okay, hello you. Let me go to you come and sorry. You have to come coffee with Karan. I'm going to you. Absolutely. Yeah. Why Karan? Because she is not a star putri. Star putri हो ना हो, सर पे ये सोने की सुतरी क्यों लगाई है? बहुत टाइम से लगा रखा है इसमें। राखी सावंत शायद रोल मांगने गई होगी। एंड राखी सावंत अगर करण जौहर से यू नो मूवी के लिए रोल मांगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पता है क्यों? जो पायलट से प्लेन का एक राउंड मांग ले। गाइस, मैं सोच रही हूँ कि आज ये फ्लाइट मैं चलाऊंगी, मैं पायलट बनूंगी। दोस्तों क्या कह रहे हो? नहीं पहली तो मांग ही सकते। अरे राखी जी, ये बिग बॉस का घर नहीं है कि जब चाहो तब एंट्री हो जाए। तो बॉलीवुड की बात चली रही है तो अक्षय कुमार ने ज्वाइन कर लिया है बॉलीवुड का एलीट क्लब। यस, नहीं खान्स का एलीट क्लब नहीं, अक्षय कुमार ने ज्वाइन कर लिया है विमल क्लब। अपनी सुबह में ये पूरा ऐसा शूट हुआ था, खिलाड़ी शामिल होता है। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। थिंग इज के लोगों ने बुरा इस बात पे नहीं माना, लोगों ने बुरा इस बात पे माना कि अक्षय कुमार ने पास्ट में इसके अगेंस्ट काफी कुछ बोला है। लोग मौजूद है सभी जानते हैं कि आप जो है तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा, इन सारी चीजों से आप काफी दूर हैं। कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। अच्छा, ये मैंने उनको नहीं बताया। फिर यहाँ पर लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार ने प्रोटीन पाउडर्स के लिए भी बोला है पास्ट। हाँ, ये मैंने देखा था। एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स का भी, फिर स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, पीसीए, ये सब चीजें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। सुन ले, दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज, इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस हो गया ना। पाजी वी लव यू, ओके। माना बच्चन पांडे उतनी हिट नहीं हुई, बट ये सबकी क्या जरूरत है? तो आज ही सुबह अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक अपॉलॉजी डाली, आई एम सॉरी बाबू। इसमें उन्होंने सॉरी बोली और ये बोला कि वो अपना एसोसिएशन विमल से वापस ले रहे हैं, बट जो एड्स चल रही है वो कुछ टाइम तक चलती रहेंगी, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अक्षय कुमार ने ये भी प्रॉमिस किया कि आगे से ध्यान रखेंगे। ये अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। देखो, आपके मन में जो भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑनेस्टली अक्षय कुमार अपना एसोसिएशन जारी रख सकता था। 4 हफ्ते बाद हमेशा की तरह लोग भूल जाते हैं, पब्लिक में उन्होंने अपॉलॉजी दी है, उसके लिए रिस्पेक्ट। और बॉलीवुड में क्या चल रहा है, न्यूज आई कि अनन्या पांडे और ईशान खट्टर का ब्रेकअप हो गया। हाँ, ये भी बहुत, ये इनका 3 साल से रिलेशनशिप चल रहा था और इनका ब्रेकअप हो गया। इनका चल रहा था, ये भी नहीं पता था मुझे इससे चालू हुआ कब खत्म हुआ भाई पता ही नहीं। जैसे इनकी मूवी खाली पीली कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। दोनों 3 साल से एक साथ थे और 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपने रिलेशनशिप को अब खत्म कर दिया है। एक मिनट, लेकिन 2 साल पहले तो ईशान ने जानवी के साथ ब्रेकअप किया था, फिर 3 साल कैसे? 3 साल पॉइंट ये भी सही लगा। और इतने साल से मीडिया वालों ने न्यूज कैसे नहीं बनाई है? देखो, इस बात से प्रूव होता है मार्केट जब डाउन होता है ना तो अभी स्मार्ट लोग साले इन्वेस्ट करते। कपल का ब्रेकअप हुआ नहीं। और बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट की ओर। यूपी इज ओपी, जहाँ पर हम लाते हैं यूपी उत्तर प्रदेश से मजेदार सी न्यूज। तो आपको पता ही होगा करंटली नींबू के भाव क्या चल रहे हैं। नींबू के दाम प्रति किलो 150 रुपए से 200 रुपए तक पहुँच गए हैं। हमारे साथ मतलब ऐसा टाइम आ गया कि अगर आप नींबू पानी पी रहे हो तो भाई आप तो कोठी बंगले वाले हो। हाँ, ताकि सामने वाले को लगे कोठी बंगले वाला है। बेसिकली ये न्यूज नहीं है, न्यूज है यूपी के शाहजहांपुर की, जहाँ पर एक चोर ने 60 किलो नींबू चुरा लिए। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। क्या चल रहा है? भाजी वाले से 60 किलो नींबू चुरा लिए। यूपी के क्या चोरी हो रही है? चोर सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, नींबू धीरे धीरे सोना चांदी बनता है। जैसे प्याज नहीं होती एक बार, अनियन बहुत। ये सीन में ना नींबू होना चाहिए। लगा क्या एडिट किया है? ये बढ़िया, सोच कहीं भी जा सकती है। क्या सोच है, खतरनाक, गजब के चोर है। मैंने सुना था सिर्फ यूट्यूबर्स ट्रेंड फॉलो करके पैसा कमाते हैं, अब तो चोर भी ट्रेंड फॉलो करने लगे। हाँ थगेश, ट्रेंड के बिना इनका काम नहीं चलता। शाने मैं कमाता हूँ, उसी से तेरी सैलरी आती है, समझा? तो अगली न्यूज आ रही है, ऑफ कोर्स रणबीर आलिया की शादी की। एक्चुअली रियल शादी की नहीं, तो कोलकाता में रणबीर आलिया के फैंस ने उनकी गुड़ियाएं बनाकर शादी कराई। ये जो भी धूमधाम से, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? इतना तगड़ा प्रेम, इतना तगड़ा लेवल का प्रेम। ये वही है जो बचपन में गुड्डा गुड्डी की शादी कराते थे, अभी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। पता है किस चीज का? बेरोजगारी का नेक्स्ट लेवल। लेकिन पैसा भी तो होता है। गरीब देश है इंडिया। हाँ, ए स्नैपचैट की सीईओ, क्या कौन बोल रहा था इंडिया गरीब देश? इतने फिजूल के पैसे हमारे पास। यस, पिछले लेट नाइट शो के एपिसोड में इसके बारे में विस्तार में बताया था, तो वीडियो के बाद देख लेना। सही है, तुम खेलो गुड़िया गुड़िया। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज आ रही है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में एक चोर को पकड़ लिया है। ये सो मंदिर से चांदी के गहने चुरा कर भाग रहा था। पता है किसने पकड़ा? खुद भगवान ने पकड़ा है। तो एक्चुअली इसने एक ड्रिल विल करके होल बनाया मंदिर में, और उस होल से जाकर गहने चुरा कर जब बाहर निकल रहा था फंस गया। इतना बुरा किसके साथ? पकड़ लिया भगवान ने। जा किधर रहा है? मेरे गहने चुराएगा? भाई तुझे भगवान ने पकड़ लिया, माफी मांग ले अब तो। फिर गांव वालों ने देखा उसको कि ऐसे अटका पड़ा है और निकाला उसको। वेरी होलसम मोमेंट। नहीं, निकाल के उसको पुलिस के हवाले कर दिया। देख क्या गुंडा बनेगा रे? बोलते ना, इस जन्म के कर्म इसी जन्म में भुगतने। बिल्कुल। और क्या, और क्या। KGF 2 यस, आई नो, बहुत मजा आया सबको देख के। टॉपर ब्रो, हेड पे चसल ब्रो। अब तो तारे 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 तारे। अच्छा क्या कर रहे यार तू? मजाक है क्या? यस, KGF मूवी का सीक्वल है। एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज के सीक्वल किसको नहीं पसंद? तो ऐसे ही एक ब्लॉकबस्टर मूवी का सीक्वल आ रहा है, देशद्रोही 2। ये कमाल खान ने खुद ही अपने ट्विटर पे डाला है। शूटिंग जल्दी शुरू होगी, अभी अभी एक पेंडेमिक खत्म हुआ है। लोग अभी तक सर सदमे से बाहर नहीं आए, प्लीज। और इन्होंने पोस्टर में ही लिखा है, बिगर देन बाहुबली। बिगर देन बाहुबली, ओहो, ये कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। सच में पोस्टर देख के ना इसी की फिल्म का डायलॉग याद आता है, मगर क्यों मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। KRK इनेस देशद्रोही, डायरेक्टेड बाय KRK, प्रोड्यूस बाय KRK। भैया KRK दिखनी भी खुद ही पड़ेगी। मालूम है आप इंडिया का दूध नहीं पीते, आप इंडिया के बाहर से दूध इंपोर्ट कराते हो, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं। तो इंटरनेशनल से याद है, बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर, इंटरनेशनल छपरी। तो इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है एक कपल की। तो एक कपल जो फ्लाइट से अपने घर जा रहे थे, उनको पहुंचना था यूके, बट एक गलत फ्लाइट पकड़ के स्पेन पहुंच गए। कैसा? ये ज्यादा नशे में थे या फ्लाइट वाले? हाँ, चढ़ने के समय फ्लाइट में कैसे हो जाता है भाई? ट्रेन में तो ठीक है, तुम बोल दोगे अरे भाई सो गए थे, फ्लाइट में कैसे भाई? भाई मैं बता रहा हूँ ये अंग्रेज ना अपना देश सही है। आपको तो पता है पाकिस्तान में इमरान खान पीएम नहीं रहे। सबसे पहले घबराना नहीं। उन्होंने इंडिया की काफी तारीफ की थी। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी। उस पे नवाज शरीफ की बेटी ने इमरान खान को बोला, इतना ही है तो इंडिया चले जाओ। इमरान खान टू गो टू इंडिया। Anyways guys, so that's it for today. बहुत बढ़िया वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा कि मतलब आप एक उसके लिए एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी फैमिली और फिर उसके फैंस होते हैं। और अक्षय कुमार सर का वो वाला मूव लोगों को पसंद नहीं है कई बार, तो उन्होंने देखते हुए उन्होंने जो जो जेस्चर दिखाया ना, अच्छा बोला थकेश ने कि लोगों क्या एक दो हफ्ते बाद भूल जाते हैं, कुछ वो नहीं, वो चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे कि 4-5 हफ्ते में भूल जाएंगे अपना, आप छोड़ो, लेकिन उन्होंने और ये भी बोला कि इन फ्यूचर भी ध्यान रखना। वो चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को और रियली अप्रिशिएट करने लायक है वो चीज, जो उनका जो मूव था इंस्टाग्राम पर पूरी पोस्ट डाली उन्होंने उसको लेकर। और बात करी जाए नींबू भैया इतने तगड़े लेवल पे पहुंच रहा है ज़्यादा। हाँ, कल ही मैं तुझे वो दिखा रही थी, लेवल अलग होता जा रहा है चोरी का लेवल। कल मैं दिखाई थी, उसमें बोलता है ना वो, अरे वो है बंदी सलोनी करके है ना, वो उसका भाई, उन्होंने इतनी फनी रील बनाई हुई थी कि कोई गाड़ी नहीं लेता है, बताओ गाड़ी के टायर के नीचे हमें कुचल देते हैं, कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं वो मिलता क्या। और कुछ लोग तो हमें उसमें भी यूज करते हैं पंडित वाले उसमें, कि कहते हैं हम रंग बदल दें, बताओ हम क्यों रंग बदल देंगे। वो क्या भाई नींबू, जो वो बहुत बढ़िया एडिटिंग लगी, जो धूम वाला वो लगा रखा था ना डायमंड के ऊपर नींबू, सोच कहीं भी पहुंच सकती है। चोर ने भी सोना चांदी चुराना छोड़ दिया, नींबू 60 किलो। और अगर आप शिकंजी पीते तो मुझे बोलने दे, देखा भगवान सब देखता है, रोक लिया ना वो चोर को वहीं रोक लिया, मंदिर से चुरा रहा था देखो, और ड्रिलिंग करके पूरी तैयारी कर रखी थी, आज तो निकलूंगा। एक वो भाई देखे KGF 2 देख के उसको क्या हो गया था भाई को, हाँ उस वाले उस पे ज्यादा इमोशनल, मूवी नो डाउट बहुत गजब थी, लेकिन वो भाई अलग लेवल में था इस टाइम, वो अलग ही जोन में पहुंच गया था। लेकिन भाई देशद्रोही 2 आ रही है, आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर देशद्रोही 2? जो एक्साइटेड है देशद्रोही 2 के लिए कमेंट में लिख देना, एक्साइटेड फॉर देशद्रोही 2। मेरा क्वेश्चन तो वो है मगर क्यों? अरे भाई लेकिन ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। और वो क्या था, बिगर देन बाहुबली, इट्स हिज चॉइस, इट्स हिज चॉइस। एक बच्चा कहता है यार अभी तो पेंडेमिक खत्म हुआ है, लेकिन ठीक है भैया जो भी, वो कैसे पहुंच सकते हैं इंटरनेशनल वाले उसमें? अरे हाँ वो चीज हो सकता है भैया, हो सकता है जब नशे में पब्लिक और नशे में पायलट, फिर हो सकता है। सोच भैया अलग ही, वो सोच वो सो रहे होंगे, ऐसा भी थोड़ी होता है कि यार उतरो ऐसा करता है, अलग ही लेवल भैया। इसके ऊपर भी सोच विचार चलना चाहिए क्या, या तो एक खबर फेक होगी, हो सकता है खबर फेक भी छाप देता है ना। बाकी खबरें शो में भाई साहब मजा आता है, और जो स्टार्टिंग भाई रोस्ट करते हैं ना कि यार क्या तुम क्या कंट्रोल आ रहे हो तुम ब्रेक्स ओवर, वो ये मस्त था ये वाला। लेकिन आज थगेश का रोस्ट खबरें शो में कम हुआ। और भाई मुझे ये भी पता चल गया बेरोजगारी है लेकिन पैसे की कमी नहीं है, वो कोलकाता वाले उससे पता चल गया, शादी जो कराई है प्रॉपर, वो तो अलग लेवल का। अनएम्प्लॉयमेंट होते हुए भी पैसा इतना है कि वो शादी ब्याह करा रहे गुड्डे गुड्डियों से लेकर आगे पहुंचे। यहाँ लोगों के पास खुद के बच्चों की शादी कराने के लिए पैसे नहीं है कहीं, देख रहा है क्या बात है। ये मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है गुड्डे गुड्डियों को बड़ा करके उनके साथ। विद दैट मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।